आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ की पुरानी सब्जी मंडी चौक रोड स्थित सेंट्रल बैंक के नीचे दुनिया के नामचीन रेस्टोरेंट में सुमार मोती महल का आउटलेट का शुभारंभ हुआ। भूतपूर्व सैनिक रमाकांत शुक्ला ने फीता काटकर मोती महल के रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर ओम गुजराल ने मोती महल ब्रांड के बारे में जानकारी देते हुए इसके लजीज व्यंजनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में नॉन वेज और वेज दोनों की व्यंजन की सुविधा होगी। कंपनी के USA, लंदन, बहरीन, UAE समेत दुनिया के अन्य देशों के अलावा भारत में भी 100 आउटलेट हैं और मोतीमाल के स्पेशल टेस्ट की हर जगह डिमांड है। 1920 में उनके परदादा ने पाकिस्तान के पेशावर में आउटलेट खोला था। आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में दिल्ली के दरियागंज में उन्होंने पहला आउटलेट खोला। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में इसकी ब्रांच खोली और सफलता के साथ पूरे विश्व में परचम लहराया। यूपी में भी 15 से ज्यादा स्थानों पर इसकी आउटलेट है। लखनऊ में हजरतगंज में है, जो कई वर्षों पूर्व खोला गया था। उन्होंने बताया कि मोती महल की मशहूर ब्रांड तंदूरी चिकन रही है। इसके साथ ही तमाम वैरायटी के खाने पीने के सामान हैं, जो हर वर्ग के लोगों के लिए पसंदीदा हैं। यहां पर इंडियन, चाइनीज के अलावा थाईलैंड व अन्य देशों के टेस्ट के व्यंजन भी मिलेंगे। आजमगढ़ में यहाँ के लोगों को देखते हुए एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट की सख्त जरूरत थी, जिसको पूरा करने की कोशिश मोती महल करेगा। ओम गुजराल ने बताया कि आजमगढ़ शहर में हमने रेट का भी विशेष ख्याल रखा है। बताया कि उनके यहाँ विशेष प्रकार के वैले पार्किंग की भी सुविधा मौजूद है। उद्घाटन के दौरान रमेश शुक्ला, ओम अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बेसिकली मेरा नाम कुवम गुजराल है एंड मैं मोती महल का डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। मतलब मेरे फाउंडर मिस्टर कुंदन लाल गुजराल मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। और 1920 में हम लोगों ने मोती महल की शुरुआत करी थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर हम लोगों ने हिंदुस्तान में मोती महल को लेके आए थे। सबसे पहला आउटलेट दरियागंज में हमारा सबसे पहला आउटलेट खुला था। एंड उसके बाद हम दरियागंज में खुलने के बाद हम लोगों ने दिल्ली में शहर में काफ़ी विनय नए किस्म के हमने रेस्टोरेंट खोले, और बहुत रेस्टोरेंट हम लोगों ने वहाँ पर रेस्टोरेंट खोले। फिर हम लोग ने फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस शुरू करा 2000 में, और 2000 में खुलने के बाद हमारा सबसे पहला जो यूपी के अंदर प्रोजेक्ट था वो था हज़रतगंज मोती महल। तो मोती महल हज़रतगंज हमारा सबसे पहला आउटलेट था जो हमारा यूपी में है। एंड वहाँ पे जो हमारी वो एक किस्म से शाखा ही है। वहाँ पे स्वीट्स भी हैं, वहाँ पे आपका चाट भी है, और वो सारी आउटडोर क्या कहते हैं आपका केटरिंग से होती है। हमारा उधर बेसिकली सारा खाना है जो हम उधर मोती महल का सारा दाल मखनी और ये बटर चिकन और हमारी जो भी अनेक डिशें हैं जैसे बटर चिकन, दाल मखनी, शाही पनीर, ये हम सारी वहाँ पे डिशेज़ आज तक करते आए हैं। तो मोती महल की एक शुरुआत 1920 में हुई थी, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर कुंदन लाल गुजराल ने कराई थी। और उसके बाद फिर हमने हिंदुस्तान में आउटलेट खोले, हमने विदेशों में आज की डेट में बहुत आउटलेट्स खोल रहे हैं, और हमारे अधिकतर हमारे 100+ आउटलेट्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड में। एंड यहाँ से हमारी शुरुआत मेजर हुई थी। यूपी में कितने हैं लखनऊ के अलावा? यूपी के अलावा लखनऊ में हमारे टोटल अभी तक 15 आउटलेट्स हैं यूपी साइड में। जैसे हमारा एक मुरादाबाद में प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, उसके बाद आपका अलाहाबाद में हमारा भी पिछले महीने हमारी ओपनिंग थी, जिसके अंदर हमने कैफ़े कॉन्सेप्ट एक नया इंट्रोड्यूस करा है। बट हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस था आजमगढ़ में मोती महल को खोलने का, कि हमने यहाँ पे देखा कि लोगों को एक ब्रांड चाहिए, और यहाँ पे ब्रांड की इशू है। मतलब यहाँ पे ब्रांड्स नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो लोगों को एक नॉर्थ इंडियन का खाना मिल सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब मोती महल का प्लान करा मिस्टर रघुवेश जी के साथ, तो जब मैं आया पहली बारी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि लोगों को खाना का बहुत शौक़ है, लोग खाना खाने का बहुत उत्साहित हैं खाने को लेके, बट यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो एक ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन और मुगलई खाना दे सके। तो हमने मोती महल यहाँ पर प्लान करा कि हम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, मुगलई, और बल्कि चाइनीज़ भी हम लोगों ने अपने मेन्यू में ऐड करे, कि चाइनीज़ के भी हमारे आइटम्स अब धीरे धीरे उसमें हमने ऐड करे हैं, कि बंदा जब अपना परिवार एक आ रहा है तो उसमें एक अगर एक बच्चा है उसको नूडल्स खाने हैं, राइस खाने हैं, वो भी खा सकता है। अभी हम इसके अंदर एक कुजीन और भी ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, पास्ताज, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एक 15 साल का बच्चा भी और एक 40 साल का नौजवान भी इसको मनोरंजन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।